Today, inshallah, I will take you on a fascinating romantic journey. The journey which has courage in it, which has honor, which has dignity, which has chivalry, which has heartbreaks, which has betrayals, which has sweat and blood. And then the destination, the most amazing, most fascinating destination for which it was, everything was worth it. Destination we call home, Pakistan. ये पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है. ये मदीना सानी है. ये दूसरा मदीना है जो मदीने के बाद बना है यहाँ पर. आज आपको साहिर अजीब और गरीब बात आपसे शेयर करते हैं. मदीने के साथ हमारी सिमिलैरिटी सिर्फ इस पे नहीं, वहां भी मुशरिक मक्का से हिजरत होके मदीने की इस्लामी रियासत बनती है. यहाँ भी हिंदुस्तान मुशरिक से हिजरत होती है और पाकिस्तान की इस्लामी रियासत बनती है. वहां भी हिजरत है, यहाँ भी हिजरत है. वहां भी खैबर के यहूदी मक्का के मुशरिक के साथ मिलकर मदीने की रियासत के खिलाफ काम करते हैं. यहाँ भी इसराइल के यहूदी हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ मिलकर इस रियासत के खिलाफ सबसे बड़ा थ्रेट बने हुए हैं. वहां भी बदर, उहद और खंदक की झड़पें होती हैं. यहाँ भी हमारी इनके साथ कई झड़पें हो चुकी हैं. वहां भी फतह मक्का हुआ था. यहाँ के फतह मक्का का हम इंतजार कर रहे हैं. ये मकतूब तकदीर है. और गैर मामूली अरबी में मदीने को हम मदीना तैयबा कहते हैं और लफ्ज पाकिस्तान दो लफ्जों से मिलकर बना है, पाक और इस्तान. इस्तान फारसी में कहते हैं शहर, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काजकिस्तान, उनका शहर. और बचपन से हम सबको पढ़ाया गया है पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक. इस्तान यानी शहर, मदीना शहर. पाकिस्तान का लफ्जी तर्जुमा अरबी में करें तो मदीना तैयबा.